क्या हुआ भाई? अभी तक सो रहा है? भाई मैं सो न रहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। ऐसा कहाँ सोच रहा है तू? भाई मैं नू सोच रहा हूँ, बकरी का तो गोल गोल है गए, वाके पेट में गुजिया बनाने जैसे सांचा लगा रहा है क्या? यही मारे बड़े बूढ़े कहे के स्कूल चले जा करो, ना तो घर बैठ के नहीं बात ना सोचता रहेगा कि बकरी काय को गोल गोल हगे। साइंटिस्ट ही हो रहा भाई, कुछ तो सोच रहा हूँ ना, खाली तो ना बैठा। या गोबर से दिमाग में गोबर जैसी बात आ, मैं कुछ बढ़िया भी सोच लेकर। हाँ तो सोचा हो ना, आज स्कूल ना जाऊंगा, यही मजे लेऊंगा। बेटा मम्मी भूल का दिखे, सारे मजे निकाल देंगे तेरे। मैं ना जाऊँ ना जाऊँ ना जाऊँ, मम्मी का पापा बुला लीज जा, हल्के में ले रहा दिखे मैं। अबे रुक जा। ओ मम्मी। अरे भाई मैं चलूंगा तेरी गल, किसने मना करी? पर भाई मेरा मन ना करता भी जाने को, मेरा मैथ का काम पूरा ना, मास्टर मारेगा। अच्छा एक बात बताऊं, मेरा भी काम पूरा ना, अब मस्तानी दौड़ चल रहे, बस पूछ ले रहे वो जाएगा ना जाएगा। अरनू बता तू इन जूता निकल के सो रहा है? ये तो मैंने हमारे घर रखे हैं, कहा पता मेरी सेटिंग में सपने मिलने आ जावे, गैल पैर के भाग जाऊंगा। आ जा। अरे ओ मस्तानी, स्कूल जाएगा हमारी गैल? स्कूल का करें जाए हम? स्कूल की छोड़, नू बता तेने मैथ का काम कर लिया ना करा? तो मैं मैथ की परी, हमने यार एकू काम नहीं करो, सबेरे भैंसियन में लगे हैं। और स्कूल जा करें का, मेरे क्लास में लौंडियां एकू आती ना यार। मित्र भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहा हो, मस्तानी मेरा मन ना स्कूल जाने का, पर हमारी मम्मी बिना स्कूल भेजे मानेगी ना। तो एक काम करो, घर जाओ, मम्मी मान जाए तो ठीक है, और ना मानो ड्रेस पहन के हमारे चले आइयो, फिर बाकी बात बताए क्या करने तुम्हें। भाई स्कूल तो ना जा रहे हम, पर मैं बिजली से कैसे मिलूंगा? अरे तू बाकी दिक्कत मत ले, बिजली की तो हम छुट्टी करवा लेंगे, पहले मम्मी से तो पूछ ले। मैं सही कह रहा हूँ भाई, मम्मी मानगी तो ठीक है, नहीं स्कूल के बहाने पूरे दिन मौज ही लेंगे। आ चल रहे हैं अब तो हम एक जोड़ी कपड़ा धल लें। ठीक है मम्मी। मम्मी आज हमारा स्कूल जाने का मन ना हो तो हम स्कूल न जा रहे। अच्छा जी, कभी नू तो ना कहते कि आज हमारा डोलने का मन ना है, खाने का मन ना है, खेलने का मन ना है, स्कूल जाने का तारा बिल्कुल भी मन ना करता। ऐसी कहा दुश्मनी है स्कूल से तुम्हें? मम्मी स्कूल से कतई दिक्कत ना हो मुझे, मेरे स्कूल के जूता फट गए, अब घर के रंगीन जूता पहन के जाऊंगा तो मैडम मारे फिर। एक काम करो, तुम चप्पलन में ही चले जाओ, थारी मैडम है, मैं देख लूंगी। तो मम्मी आके पेट में मुझे दर्द हो रहा है, वहां का क्या करोगी? अरे कदुआ मेरे पेट में दर्द? अरे सुबह होना रहा तेरे पेट में दर्द? ओ हाँ मम्मी मैं भूल गया, मेरे बहुत तगड़ा पेट में दर्द हो रहा, मेरे कान फटे जा रहे हैं पेट दर्द के मारे। देख लो। अच्छा बेटा, पेट दर्द के मारे कान वाके फट रहे हैं या तू दीवार है? माँ हूँ मैं थारी, कितने ही बहाने बना लो, स्कूल तो मैं भेज के ही रहूंगी, फीस भरूं मैं हर महीना। तो मम्मी हमारे प्रिंसिपल सर मर गए। बेटा बहाने बनाने में तुम अपने बापसू भी आ गए हो, स्कूल ड्रेस प्रेस करी धरी है, चुप जाके पहन लो और फुर्सत में निकलो यहाँ से, यही है तोड़ दूंगी थारी है। इनके जाने के बाद 2-4 घंटा तो मिले हैं आराम के, इन्हें भी नॉस करने की सोच रहे हैं। नॉस बेटे आऊंगा मेरा फोन। मित्र भाई हमारी मम्मी ज्यादा तेज बने हैं ना, तो हम भी इन्हीं की औलाद है, कितने ही भेज लीजिए स्कूल, हम जब भी न जाने के हैं। अब अंक पर चल रहे हैं। नितिन भाई ये मुस्तानी कहाँ रहेगा यार, तू कह रहा हूँ मैं 8 बजे करेक्ट खड़ा मिलूंगा, अब तक तो आया ना। वैसे तनु के टाइम का पक्का हूँ, पता ना आया क्यों ना अब तक। चल देख ले थोड़ी देर इंतजार कर ले। अरे यू आ तो गया मस्तानी, हमने तुम पर पहले कही थी कि हम टाइम के पक्के हैं, आ गए देखो टाइम पे बिल्कुल। अरे टाइम से आ गया तो ठीक है, अब पता चलना कहाँ है। अच्छा यहाँ बताओ तुमने अपनी सेटिंग को बुलाया लो? ओ भाई मैं तो भूल ही गया, अब एक काम करो फटाफट फोन कर लूँ वहाँ पे। ओए एक मिनट रुक, अरे मिडिल का फोन है। हेलो। हाँ बिजली कहाँ है तू? कहीं ना, स्कूल जा रही हूँ मैं तो। अच्छा सुन अब एक काम कर, सबसे पहले नू बता कहाँ पहुँच गई तू? कहीं ना, घर से निकली हूँ अभी, कच्चे रास्ता पे आ गई। ठीक है मेरी बात ध्यान से सुन, मैं घर से तो निकल गया स्कूल के बहाने से, अब मैं स्कूल जाऊंगा ना, मेरा स्कूल जाने का जीना कतई भी। हाँ तेरा काम पूरा ना होएगा यही मार, तू स्कूल ना जा रहा, लेकिन बेटा मेरा काम है पूरा, मैं तो जाऊंगी। अरे बाबू ना मेरी दोस्त तो बहुत प्यार करूँ मैं, या प्यार के चक्कर में बर्बाद होली मैं, बबलू हर के खेतन पे जाने के अलावा और न मिला मो कुछ भी। कोई बात ना बिजली, बस आ जा और आ जा। तो अब फिर बबलू हर के खेतन पे आना होगा है ना? अरे ना ना ना, बबलू खेतन पे ना, बबलू खेतन पे जुताई चल रही है, तू एक काम कर रोमपाल हर के खेतन पे आ जा, वहीं बैठ के आराम से समोसा मारेंगे चटनी की गैल। वैसे हो अपनी गल काजल भी ले आएगी। और सुन अपनी गल काजल भी ले आइयो। ठीक है ले आऊंगी। अच्छा सुन आई लव यू। आई लव यू बाबू, आई लव यू। चल ठीक है मारूं बाय। यार मौसू भी आई लव यू के बाद मेरी सेटिंग मौसू आई लव यू ना कहती, वो सिर्फ मेरे ही मारे है बस, सरकारी सेटिंग ना है। पर मस्तानी यार ये नितिन कौन आएगा? जब तक नितिन भैया पानी लेके आए रहे तब तक हमें एक बात बता दो, हमारे फीस जमा है ना, ये मैडम रोज लड़ती हैं,
हमारा स्कूल जाए मन नहीं है, बताओ क्या करें। मस्तानी दिक्कत क्यों ले रहा यार, वर्ल्ड नॉन स्टॉक ब्रोकर ऑक्टाफैक्ट हम जैसे बिगनर्स के लिए एक बहुत अच्छा कॉपी ट्रेडिंग ऐप है, जहां प्रोफेशनल स्टॉक ट्रेडर्स हम जैसे कॉपियर्स मिले और हमारी इनकम का भी ध्यान रखे। भैया कौन से ट्रेडर्स और जी हमारी इनकम को ध्यान का रखे हैं? वे पहले अपनी अर्निंग का ध्यान रखेंगे और वाई के रिजल्ट के हिसाब से हमारे लिए पैसा कमाएंगे। ले ये देख मेरे में $1129 है, यू हैव मास्टर ट्रेडर्स की लिस्ट, चल इनका रिजल्ट देखते हैं और मोस्ट पॉपुलर चूज करते हैं 2 हफ्ता के लिए, जो देख लगभग 1900% प्रॉफिट है ना बढ़िया। मतलब अगर मैं इनको 2 हफ्ता पहले से कॉपी करना शुरू करता ना $50 से, तो अब तक मैं $450 कमा लेता। बहुत बढ़िया भैया, अब देख मैं इनका लिंक कॉपी करूंगा। ले हो गया, और सुन ऑक्टाफैक्स पे पेटीएम से डायरेक्टली भी डिपॉजिट कर सके हैं, और मास्टर ट्रेडर्स बहुत मोटिवेटेड हो गए हमारे पैसा ग्रो करने को, क्योंकि उन्हें भी कमीशन मिले हमारे प्रॉफिट से, जो जितना बढ़िया ट्रेड करेगा उसी के हिसाब से दोनों को प्रॉफिट होएगा। मजा आएगा भैया, जो तो बहुत बढ़िया चीज है। और सुन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर ऑक्टाफैक्स कॉपी ट्रेडिंग ऐप, और तुझे 50% बोनस मिलेगा तेरी पहली कॉपी पर। अब अपने पैसा कमा और फीस भर स्कूल की। जो तो बहुत बढ़िया ऐप है, हम डाउनलोड करें आ जाइए। हाँ चल अब नितिन भी आएगा। आज तो मस्तानी बंक का मजा आ रहा है, बिजली भी आ रही है, काजल भी आ रही है। अरे आए तो रही है लेकिन हमारे घर से हटके ही नहीं है। अरे बिल्कुल नितिन, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे, स्कूल जा रहे हैं हम तो। बेटा वो सब पता, स्कूल तो इंग है, तुम आज बंक पे जा रहे हो, मास्टर है बताऊंगा मैं आज। नितिन भाई यही मार तो हमारे समोसे ने खा खा के झेंडल हो रहे हो, या पेट कम कर ले पहले। ओ बिजली यू पेट नो यू एयर बैग है, कहीं भी ठुक जा चोट लग सके हमारे। एक बात और बता, एयर बैग महंगी गार्डन में होता है। अब बताऊंगा इन्हें। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी तुम बहुत कहो ना मैं तुम्हारे बाल करने बिगाड़ू। अरे हुआ कहा, नू तो बता। तो मैं नू बताओ नितिन मिर्दुल कौन आज? हाँ वे तो स्कूल गए हैं। आंटी स्कूल तो उनको रामपाल के खेतन पर चल रहा। अच्छा जी, जब ही सुबह सुबह इतने ड्रामे कर रहे, एक काम कर तू मोह लेके चल रामपाल के खेतन पे। चलो दी ले चल तू बस। स्कूल ना गए आंटी आज? वे आंटी देखो वे बैठे, वे बैठे देखो। आंटी वेरे देखो, स्कूल का बंक मार के बैठे हैं। आंटी बस तुम मेरा नाम मत लियो। ठीक है। अरे तुम सारी बातें ना छोड़ो बिजली, तू नू बता तू बीड़ी पीवे? ना मैं काई पीऊंगी बीड़ी। अच्छा मतलब पहले पिया करी? जब कह तो दी ना पीती। अच्छा मतलब छोड़ दी? इरे जब कह तो रही हूं ना छोड़ी। ना छोड़ी मतलब अभी भी पीवे। बेटा तुम्हारी मम्मी आ गई। तू बिगाड़ रहा मेरी औलाद है। ये देखा तू ही है ना मस्तानी, मैंने बिगाड़ी है ना मेरी औलाद, तो मैं सुधारूंगी हरामखोर। आंटी आंटी हमने कुछ नहीं।